हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं जा रही हूँ गोभी की सब्ज़ी बनाने, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाने, जिसमें मैंने छोटे दो गोभी को कट कर लिए हैं। इस तरह से आप पीस पीसेज में कट कर लें। ये लगभग वज़न में आप लें तो ये 500 ग्राम के लगभग हैं। आलू मैंने लिए हैं, 7 से 8 आलू लिए हैं, जिसको उबाल करके मैंने छील लिए हैं। यहाँ लहसुन है, मसाले के लिए मैंने लहसुन लिया है, देख सकते हैं। प्याज मैंने 2 कट कर लिए हैं, बड़े साइज़ का प्याज लिए 2 कट कर ले। एक आप फ़ोरन में डालें और दूसरा आप प्याज ग्राइंड कर ले। सूखी 2 मिर्चें हैं, आप देख सकते हैं इधर। और अदरक है, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है। आप चाहें तो ग्रीन चिली का भी यूज कर सकते हैं, या आप सूखी चिली डाल सकते हैं। आपके ऊपर है, ये जीरा है, जीरा पाउडर है। अब कढ़ाई मैंने गर्म कर लिए हैं। अब इसमें मैं सरसों तेल 2 चम्मच के लगभग डालूंगी और इसे गर्म करूंगी। तो चलिए तब तक हम लोग मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें ऑनियन डालें, कटा हुआ ऑनियन डाल दें, अदरक डालें, इस तरह से अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें। 10 से 15 कलियाँ मैंने लहसुन के लिए, लहसुन का स्वाद इसमें ज़्यादा गोभी की सब्ज़ी में अच्छी लगती है। जीरा डाल लें, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने जीरा लिया। आधे जीरा मैं इसमें यूज करूँगी, आधे मैं तड़के में डालूँगी। अब मैं इसे पानी 2 चम्मच डाल करके आप ग्राइंड कर लें। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 8 से 10 के लगभग मैंने काली मिर्च लिए हैं, जिसे आप इसमें डाल दें। 1 से 2 चम्मच अंदाज से आप पानी डाल दें और इसे ग्राइंड कर लें। इधर आप देख सकते हैं तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो गोभी मैंने कट किए हैं उसको डाल करके आप फ्राई कर लें। सबसे पहले अच्छे से इसको इस तरह से फ्राई करें, देख सकते हैं। बस ये गोभी डाल करके आप फ्राई करें। आप देख सकते हैं गोभी कितने अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जो कच्चे रहते हैं उसमें आप इसको इस तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें, देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी इसे अच्छे से भून लें। इसलिए मानिए इसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी, अभी वाली गोभी जो आती है उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और अच्छी होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इस तरह से निकाल लें। अब इसमें मैंने जो तेल बचे हैं उसमें आप जीरा अदरक मिर्च कट करके आप सूखी मिर्च मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप भी इसी तरह से सूखी मिर्च डाल लें। इस तरह से मैंने जीरा सूखी में सबको मैंने जीरे पर रखे हुए हैं। हम इसे तेज कर दूँगी। जो तेज पत्ता मैंने डाले हैं आप इसे तोड़ कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का तड़कने लगेंगे, तेल फ्लेम कर दें, पकने लगेंगे। तब तक मैं इधर धनिया पत्ती मैंने कट कर लिए हैं, देख सकते हैं। इधर मैंने मसाले भी ग्राइंड भी कर लिए हैं, मसाले आप देख सकते हैं। और मैंने इधर सबकी मात्रा भी रख ली है, कितना कौन मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच के लगभग मैंने सब्जी मसाले ऐड किए हैं, मिक्स मसाले हैं, सब्जी मसाले गर्म मसाले हैं। आप इसे अभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप हल्दी पाउडर भी अभी डाल करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप सूखा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो ऐड कर लें, वरना तो आप नहीं भी स्किप कर सकते। देखिए मैंने 2 चुटकी के लगभग भी इसमें ऐड किया है, ज़्यादा नहीं मैं इसमें डाली हूँ। हल्का सा इसमें पानी डाल करके तो 2 चम्मच के लगभग आप पानी ऐड कर लीजिए और इस तरह से मिक्स कीजिए। ऐसे मिक्स कर लीजिए इसको 2 मिनट के लिए। आप इसे 2 मिनट के लिए इसको फूलने के लिए छोड़ दें। इस तरह से सब्ज़ी और भी टेस्टी बनती है, आप देख सकते हैं। इधर मैंने थोड़ा सा तेज फ्लेम कर दिया था, आलू पूरे से लगे हैं। इस तरह से आप भी कम फ्लेम रखें, अभी तेज ना करें। थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा प्याज अच्छे से डाल जाएगी। इसे 1 मिनट के लिए ऐड करिए, इसे इस तरह से
आलू को मैं अब कट करूँगी, चार भागों में आप कट कर। आप देख सकते हैं कि ये प्याज मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें सारे मसाले जो मैंने मिक्स किए थे उसे ऐड करके आप अच्छे से इसको भी अच्छे से भून लें। उसके बाद में कटे हुए आलू आप इधर देख सकते हैं, मैंने चार भागों में कट कर लिया, उसे भी आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसको अच्छे से आप इस तरह से भून लें और इसमें आलू ऐड कर दें, गोभी ऐड कर दें, इस तरह से सबको ऐड करते जाएं और मिक्स करें। आप देख सकते हैं मैंने मसालों को और गोभी आलू सबको मिक्स कर लिया, गरम मसाला नमक ऐड कर दें और धनिया पत्ती डाल दें इसके ऊपर से, उसके और एक गिलास पानी डाल करके इस सबको मिक्स करके और 2 मिनट के लिए आप बंद करके गैस। आप ग्रेवी अधिक रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लें, मैंने 1 गिलास के अलावा पानी इसमें ऐड कर दिए हैं और मैं इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। यह देखिए आलू गोभी की सब्जी तैयार है आप लोगों को खाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट